पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। साध्वी प्रमुखा जी, श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं बहनों, आरहत वांग्मय में उक्त है, परक मिज्जा तव संजमम्मी, संयम और तपस्या में पराक्रम करना चाहिए। जिस आदमी ने कुछ बनने का, वह भी अध्यात्म के क्षेत्र में लक्ष्य बनाया है, हो कामेणम, जिसके मन में कुछ होने की, बनने की कामना है, अध्यात्म की साधना करने की ललक है, उसके लिए अपेक्षित है वह संयम में पराक्रम करे, तपह आराधना करे। पराक्रम करने से कुछ प्राप्त हो सकता है। संस्कृत में कहा गया, न रत्न मन्विष्यति मृग्यते ही तत्। रत्न आदमी की खोज करने के लिए प्रयास नहीं करता, आदमी को रत्न खोजना होता है, और खोजी आदमी प्राप्तव्य को प्राप्त भी कर सकता है। आज भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी है, इस बार दो भाद्रव हैं, तो प्रथम भाद्रव की शुक्ला त्रयोदशी है, और महामना परमाराध्य परम पूज्य तेरा पंथ के प्रवर्तक आचार्य भिक्षु का चरम महोत्सव महाप्रयाण दिवस है। आचार्य भिक्षु के जीवन को हम देखें तो शुक्ल पक्ष में उनके जीवन की अनेक घटनाएं घटी हैं। उनका जन्म भी शुक्ला त्रयोदशी को हुआ, आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को उन्होंने अभिनिष्क्रमण किया, वह भी शुक्ल पक्ष में चैत्र शुक्ला नवमी को। उन्होंने नव्य दीक्षा ग्रहण की या भाव दीक्षा ग्रहण की, वह भी शुक्ल पक्ष में आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को। उन्होंने अनशन ग्रहण किया, वह भी शुक्ल पक्ष में भाद्रव शुक्ल पक्ष में द्वादशी को, और महाप्रयाण भी शुक्ल पक्ष भाद्रव महीना त्रयोदशी को हुआ। एक दीर्घ जीवन उन्होंने प्राप्त किया, और जो आस्तिक दर्शन का सिद्धांत है, पुनर्जन्म होता है। लगता है आचार्य भिक्षु ने पिछले जन्म में तपस्या की थी, साधना की थी, और साधना पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकी थी, उनको वापिस मानव जन्म मिला और फिर उन्होंने तपस्या की, साधना की। लगता है कोई विशिष्ट क्षयोपशम मोहनीय कर्म का करके आए थे,
और उनके मन में वैराग्य भावना जाग गई और उन्होंने शादी भी की थी। मन में विरक्ति का भाव आया और दाम्पत्य जीवन में दोनों ने यह निर्णय किया, हमें दोनों को ही साधु बनना है। साधु जीवन में भी, साधु बनने में भी साथ निभाना कितना बड़ा सहचरत्व होता है। एकांतर तप प्रारंभ कर दिया, शील की साधना शुरू कर दी, परंतु वह पत्नी को तो सौभाग्य नहीं मिला कि वह साध्वी बन सके। सुगुणी बाई, जिनका बगड़ी में पीहर था, उनका तो देहावसान हो गया और वह देहावसान मानो और ज्यादा प्रेरणा देने वाला बन गया भीखण जी के लिए कि क्या पता किसका कब क्या हो जाए। जैसे वह चली गई, मेरा भी क्या पता कब क्या हो सकता है। अब जल्दी साधु बनना चाहिए। तत्वज्ञान प्राप्त किया हुआ था और स्थानकवासी परंपरा में आचार्य रघुनाथ जी महाराज उस जमाने के अच्छे प्रभावशाली आचार्य थे, उनसे संपर्क हुआ। दीक्षा लेनी थी, मां की आज्ञा आवश्यक थी। रघुनाथ जी महाराज ने मां को समझाया, कई बार आचार्यों के द्वारा कोई प्रेरणा मिल जाती है, वो थोड़ी देर की प्रेरणा भी श्रावक श्राविकाओं के मन को प्रभावित करने वाली हो जाती है। और रघुनाथ जी महाराज ने दीपा जी को समझाया और कई आचार्यों की अपनी प्रज्ञा प्रतिभा चिंतन शक्ति होती है, किसको कैसे समझा देना। दीपा जी ने कहा कि महाराज आज्ञा मैं कैसे दूं, यह जब गर्भ में आया था तो मैंने तो सिंह का स्वप्न देखा था, मेरा बेटा तो आशा करती हूं राजा बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, तो मैं इसको साधु कैसे बना सकती हूं। साधु तो मांग मांग कर खाने वाला, मेरा बेटा तो राजा बने यह मेरी कामना है। आचार्य श्री रघुनाथ जी महाराज ने कहा, दीपा बाई तुम्हें अच्छा स्वप्न आया था सिंह का, पर सिंह का स्वप्न जिस मां को आता है उसका वह बेटा राजा भी बन सकता है, पर साथ में वह एक भावितात्मा अणगार विशिष्ट साधु भी बन सकता है। और दीपाबाई मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा बेटा साधु बनकर के सिंह की तरह दहाड़ेगा। बस यह ऐसी बात फरमाई रघुनाथ जी महाराज ने और दीपाबाई तैयार हो गई कि मेरा बेटा अच्छा साधु बनेगा, तो ठीक है महाराज मैं आज्ञा दे देती हूं। आज्ञा दे दी और भीखण जी की बगड़ी में रघुनाथ जी महाराज के कर कमल से, मुख कमल से दीक्षा हो जाती है। जिस जगह को दीक्षा स्थल बताया जाता है, वहां मैं कुछ महीनों पहले जब बगड़ी मेरा जाना हुआ था, वहां मैं गया भी था, छोटा थोड़ी देर के लिए वहां बैठा भी था, छोटा सा प्रोग्राम भी हो गया। एक वृक्ष है, आजकल तो कितने बड़े पंडाल बनाने पड़ते हैं, लगता है उस जमाने में तो बड़े बड़े वृक्ष ही पंडाल का काम कर देते थे। रघुनाथ जी महाराज के पास रहने लगे संत भीखण जी और अध्ययन करना शुरू किया।
कई कई साधुओं की विशिष्ट प्रतिभा होती है। सबकी प्रतिभा एक समान हो यह तो आवश्यक नहीं, परंतु भीखण जी के पास कोई विशिष्ट प्रतिभा थी। जैसे उनका मोहनीय कर्म का अच्छा क्षयोपशम लग रहा है, वैसे ही उनके ज्ञानावरणीय कर्म का भी विशिष्ट क्षयोपशम था, ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक बुद्धिमान साधु थे और लगता है काफी तर्कशील व्यक्ति थे, समीक्षाशील व्यक्ति थे। और मेरा तो मंतव्य है कि अध्ययन में तो तर्क और समीक्षा होनी चाहिए। संस्कृत में कहा गया मूकस तर्क विवर्जित है, जिसके पास तर्क शक्ति नहीं है वह तो बेचारा मूक है, बना बनाया मूक है, वो क्या बोलेगा जो तर्क करना नहीं जानता। भीखण जी के पास तार्किक बल भी था और वे अपने गुरु से भी प्रश्न करते, शास्त्रों के प्रसंगों के बारे में, और गुरु अपने ढंग से उत्तर भी देते ही होंगे। परंतु भीखण जी को संपूर्णतया समाधान नहीं मिल रहा था। उत्तर देना एक बात है और समाधान हो जाना अलग बात है। उत्तर तो कई बार जैसे तैसे भी कोई दे सकता है, पर समाधान हो जाना आवश्यक नहीं है। तो वह मानो थोड़ा सा एक कांटा सा मन में रहता भीखण जी के, कंटकोद्धार नहीं होता कि यह बात है पर यह बात बैठ नहीं रही है। रघुनाथ जी सोचते अच्छा भगत साधु है, बैरागी है, आत्मार्थी है, इसलिए प्रश्न करता है, तर्क करता है, और कोई खास बात उनके मन में नहीं आई होगी। परंतु आखिर वह जो प्रश्न की प्रक्रिया थी वो असमाहित अवस्था में रहने लग गई। बात लंबी है और उस असमाधान ने अभी निष्क्रमण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अगर समाधान हो जाता तो मुझे लगता है अभी निष्क्रमण जैसी बात होती ही नहीं, पर असमाधान बना रहा। उस असमाधान ने, असंतोष ने अभिनिष्क्रमण का द्वार खोल दिया और बगड़ी में ही संत भीखण जी ने स्थानक से अभिनिष्क्रमण कर दिया। रघुनाथ जी महाराज के टोले से अपना संबंध विच्छिन्न कर लिया। विरोधों का मानो पहाड़ टूट गिरा, विरोधों को भी सहा। वे कोई पुरुष थे जिनमें पौरुष था, हर किसी के लिए विरोधों को झेलना आसान काम नहीं होता। जब सामने अपमान विरोध की स्थितियां आती हैं, कमजोर आदमी तो उस मार्ग को छोड़ने के लिए उद्यत हो जाता है। परंतु संत भीखण जी कोई ऐसा बल मानो लेकर के आए थे, या बल कोई उनमें जाग गया था कि विरोधों को भी सहना है। आखिर तेरा पंथ नामकरण जोधपुर में शुरू हो जाता है और केलवा में संत भीखण जी योजनाबद्धता के साथ भाव दीक्षा, नव्य दीक्षा स्वीकार कर लेते हैं और तेरा पंथ की वह स्थापना हो जाती है। उन्होंने कोई स्थापना शब्द काम में नहीं लिया होगा,